गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अपन नेक्स्ट टीवीज क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर 18 अ विजिट ऑफ स्पेस एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सन एंड प्लैनेट्स। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मर्क्यूरी, या जिसे मरकरी या जिसे बोलते हैं बुध ग्रह बोलते हैं। planet solar system system and closest to the sun sun it is the smallest planet in the solar system। देखिए, जो मरकरी मर्क्यूरी ग्रह होता है, बुध ग्रह बोलते हैं जिसे, वो सोलर सिस्टम में बहुत छोटा ग्रह होता है और जो सन के बहुत करीब होता है, क्लोज नज़दीक होता है। Each day on Mercury is as long as about 2 months on the Earth। देखिए, जो मरकरी होता है वो 2 मंथ में चक्कर पूरे कर लेता है। बिकॉज rotates very slowly axis, क्योंकि ये बहुत स्लो अपने अक्ष पर ही घूमता है। It does not have any satellite, और इसकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। नाउ नेक्स्ट प्लानेट इज वीनस, जिसे बोलते हैं शुक्र। sun it is the second planet to the sun। अब ये सन का दूसरा ग्रह होता है। it is nearest to the earth, जो पृथ्वी के बहुत करीब होता है। brightest and hottest planet solar system it is the brightest and hottest planet in the solar system, और सोलर सिस्टम के अंदर ये वाला प्लैनेट बहुत चमकदार है और बहुत ही ज्यादा गर्म प्लैनेट है। reflects a yellow tilt of sunlight bright dot in the sky after the sunset, मतलब जब सूरज डूबता है तब, और sunrise मीन जब सूरज उगता है तब। सो स्टूडेंट्स, इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट। देखिए,
इससे बहुत ज्यादा मात्रा में सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है एंड कैन बी सीन अ ब्राइट डॉट, जिसे हम एक चमकदार बिंदु के रूप में देख सकते हैं आसमान में सूरज डूबने के बाद और सूरज डूबने के पहले। ओके सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।